दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली, फाफ डुप्लेसिस एंड रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, आरसीबी की टीम की तरफ से दहाड़ते हुए आज मैदान में विराट कोहली और डुप्लेसिस ने रोहित शर्मा की टीम की कमर ही तोड़ कर रख दी। कैसे दोस्तों, इस हारे हुए मैच में इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी टीम को केवल गिनती की गेंदों में जिता दिया। आपको इनकी बैटिंग का फुल हाइलाइट्स दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या इस बार का आईपीएल 2023 आरसीबी की टीम जीतेगी या नहीं, नीचे कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2023 दिन पर दिन बेहद ही रोमांचक होता जा रहा है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में मिनी एल क्लासिको खेला गया था आरसीबी और एमआई की टीम के बीच में। एमए चिदंबरम बेंगलुरु के मैदान में दोस्तों ये मुकाबला खेला गया। मुकाबले की शुरुआत से ही आरसीबी की टीम के तेज तर्रार तेवरों के आगे मुंबई की टीम दोस्तों बिखरने लगी थी। आपको बता दें कि इस मुकाबले में टॉस जीतकर आरसीबी की टीम के कप्तान डुप्लेसिस ने गेंदबाजी चुनी, और क्या खूब उनका गेंदबाजी सिलेक्शन था। जहां ईशान किशन को आते ही सिराज ने निपटा दिया 10 रनों के अंदर, तो रोहित शर्मा भी आकाशदीप नाम के युवा खिलाड़ी की गेंद पर 1 रन पर अपना विकेट गवा बैठे थे। अब बड़े से बड़े दिग्गज तो जल्दी आउट हो गए थे, जाहिर सी बात है प्रेशर टीम पर आना ही था। नतीजा ये रहा कि सूर्य कुमार यादव 15 और टिम डेविड जैसे खिलाड़ी 4 रन पर अपना विकेट गवा बैठे। इतने बड़े खिलाड़ी तो आउट हो चुके थे, केवल एक को छोड़कर तिलक वर्मा। दोस्तों, तिलक वर्मा ने आज सबके हिस्से के रन बनाने की मानो कसम ही खाली थी। खिलाड़ी ने अपना 50 तो पूरा किया लगभग 32 से 33 गेंदों के अंदर, साथ ही 46 गेंदों के अंदर 9 चौके लगाकर और 3 छक्के लगाकर 84 रन की एक हीरोइक पारी भी खेल कर गए। मुंबई की टीम दोस्तों कुल मिलाकर 171 रन बना गई थी। ये कोई छोटा टारगेट बिल्कुल भी नहीं था, और दोस्तों जब सामने आरसीबी की टीम हो तो छोटे से छोटा टारगेट भी बड़ा लगता है, लेकिन आपकी और हमारी इसी सोच को आज गलत साबित किया है केवल 2 खिलाड़ियों ने। 2 ही खिलाड़ी काफी थे पूरी मुंबई की टीम को निपटाने के लिए। भले ही दोस्तों ये टीम 5 बार आईपीएल के खिताब को अपने नाम कर चुकी है, लेकिन जब सामने विराट कोहली, फाफ डुप्लेसिस जैसे ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाज हों, तो लक्ष्य भी छोटा हो जाता है, झुक जाता है इनके सामने। और आज इन दोनों ने ऐसी बल्लेबाजी की है कि आईपीएल के अंतिम मुकाबले तक इनकी पार्टनरशिप की मिसालें दी जाएंगी। दोस्तों, जिस टीम के 2 ओवर में 9 रन थे, उसके तीसरे ही ओवर के खत्म होने तक 30 रन पूरे हो चुके थे। जी हां, आपने सही सुना, जिसमें बैरन ड्रॉफ को 2 छक्के फाफ डुप्लेसिस ने लगाए, तो विराट कोहली कहां पीछे रहने वाले थे। जोफ्रा आर्चर की खास तौर पर पिटाई करते हुए कोहली ने उन्हें छक्के व चौके जड़ दिए, और फिर तो दोस्तों इन दोनों खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। अभी 6 ओवर पूरे हुए नहीं थे कि स्कोरबोर्ड पर 60 का नंबर लग चुका था, और इसके बाद तो दोस्तों आरसीबी की टीम के लिए हर एक ओवर ही बड़ा बन गया। जहां डुप्लेसिस ने फिर दोस्तों आगे चलकर बैरन ड्रॉफ की फिर से पिटाई करी, और कैमरन ग्रीन के एक ओवर में 17 रन निकाल दिए थे, तो वही विराट कोहली कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी ऋतिक शौकीन और पीयूष चावला की जमकर धुनाई करी, लेकिन इस बीच पहले अपने 50 तक पहुंचे दोस्तों किंग कोहली के साथ बल्लेबाजी कर रहे फाफ डुप्लेसिस। दोस्तों, इस खिलाड़ी ने कोई ऐसे ही मामूली अंदाज में अपना 50 पूरा नहीं किया, बल्कि बैक टू बैक सिक्सेस लगाकर किया। बारी के 10वें ओवर में दोस्तों अपनी 29वीं गेंद पर इस खिलाड़ी ने ऋतिक चौकिन को 1 नहीं 2-2 छक्के लगा डाले, अगली गेंद पर भी 6 लगाया, और देखते ही देखते कब में कब ये 70 के पास पहुंच गए, किसी को खबर तक नहीं हो पाई। उधर जोफ्रा आर्चर का इंतजार कर रहे विराट कोहली ने भी आखिरकार अपनी पारी की 37वीं गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा कर ही लिया, उन्हें 6 लगाकर। दोस्तों, 14 ओवर बीत चुके थे, स्कोरबोर्ड पर 140 रन लग गए थे, जिसमें फाफ डुप्लेसिस की बेहद ही खूबसूरत पारी शुमार थी। उन्होंने 42 गेंदों में 5 चौके लगाए, 6 छक्के लगाकर 73 रन बना दिए थे। इधर विराट कोहली कौन सा पीछे थे हमारे, उन्होंने भी 42 गेंदों में 5 चौके लगाए, 3 छक्के चढ़े और पूरे 62 रन बना डाले थे। दोस्तों, विराट और फाफ डुप्लेसिस की यही पारी इस बात का प्रमाण दे रही थी कि ये 10 विकेट के अंतर से इस मैच को जीतेंगे, और आगे चलकर ऐसा हुआ भी। लेकिन दोस्तों, मुंबई की टीम को हरा कर अब तो विराट कोहली ने ही वो कारण बता दिया है जिसके चलते चाहकर भी इनकी टीम नहीं जीत पाई, और विराट रोहित पर कुछ ऐसा कह गए कि सुनकर आप भी तंग रह जाएंगे। आखिरकार दोस्तों विराट ने क्या कहा, एमआई को हरा कर चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, विराट कोहली ने कहा, सीजन की शुरुआत इससे बेहतर हो ही नहीं सकती थी। जब आपकी टीम मेहनत करे और सभी खिलाड़ियों की मेहनत जीत में बदल जाए, एक खास क्रेडिट जीत का मैं देना चाहूंगा हमारे गेंदबाजों को। मुंबई की टीम के सामने अगर उन्हें पावर प्ले में ही 5 विकेट गिरते हुए दिख जाएं, मतलब कि आपकी गेंदबाजी में दम है। हमारे खिलाड़ियों ने एक से बढ़कर एक गेंदें डाली, जिसके चलते हम एक डिसेंट स्कोर पर मुंबई की टीम को रोक पाए, और मुझे लगता है कि मुकाबले में सबसे बड़ा जीत का कारण वही बना जब 1 रन पर रोहित शर्मा आउट हो गए थे। रोहित जैसे ही आउट हुए, वैसे ही मुझे खबर लग गई थी कि इस बार तो मुकाबला हमारा है, क्योंकि रोहित शर्मा अगर रन बनाते तो ये रन 200 भी हो सकते थे, और वो एक बड़ा टारगेट हो जाता अचीव करने के लिए।
बाकी जीत का श्रेय मैं फाफ डुप्लेसिस को भी देना चाहूंगा। ऐसे बल्लेबाज रहेंगे, ऐसे कप्तान रहेंगे तो हमारी टीम को जीतने से इस बार का टूर्नामेंट कोई नहीं रोक सकता। सो विराट कोहली ने अपने बयान में अपनी टीम की जमकर तारीफ करी और आखिरकार करें भी क्यों ना, लेकिन रोहित शर्मा को ही कहीं ना कहीं हार का बड़ा कारण बता दिया उनकी टीम के लिए और अपनी टीम की जीत के लिए। क्योंकि दोस्तों वाकई में रोहित अगर मैदान पर जम जाते ना तो एक बड़ा स्कोर बनाकर ही दम भरते। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, क्या आरसीबी इस बार का आईपीएल जीत जाएगी या नहीं, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।